पन्ना जिले के देवेंद्र नगर में रिश्वत के मामले में लोकायुक्त पुलिस और स्थानीय पुलिस के बीच विवाद हो गया और दोनों की टीमों के बीच मारपीट की घटना घटित होने के उपरांत थाना प्रभारी घटनास्थल से फरार हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार पन्ना जिले के देवेंद्र नगर के ग्राम दबन टोला में विगत दिवस किसी विवाद पर गोली चलने की घटना घटित हुई थी, जिसमें गोली लगने से 3 लोग घायल हुए थे, जिस पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया था, जिसमें विजय यादव नाम के व्यक्ति को भी आरोपी बनाया गया था। इसमें थाना प्रभारी देवेंद्र नगर ज्योति सिंह सिकरवार और हवलदार अमर सिंह द्वारा 1 लाख रुपए की राशि रिश्वत के रूप में नाम काटे जाने को लेकर विजय यादव से की गई थी और मामला 50,000 रुपए में तय किया गया, जिस पर विजय यादव द्वारा लोकायुक्त पुलिस सागर में शिकायत किए जाने के उपरांत रविवार को लोकायुक्त सागर की टीम ने पहुंचकर जैसे ही पन्ना थाने के देवेंद्र नगर थाना प्रभारी ज्योति सिंह सिकरवार और हवलदार अमर सिंह को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए उनके निवास से गिरफ्तार किया। कार्रवाई करने के लिए जब लोकायुक्त पुलिस ने निरीक्षक ज्योति सिंह सिकरवार से पुलिस थाना चलने के लिए कहा तो उसके द्वारा मना करने एवं अभद्र व्यवहार करने पर लोकायुक्त निरीक्षक मंजू सिंह द्वारा उसे एक चाटा मार दिया और पुलिस थाने ले आए, जिस पर वहां भी विवाद होने लगा। इसी बीच प्रधान आरक्षक अमर सिंह तो मौके से फरार हो गया, लेकिन इसी बीच देवेंद्र नगर पुलिस ने देखा कि निरीक्षक को चाटा मार दिया तो देवेंद्र नगर पुलिस के स्टाफ व लोकायुक्त पुलिस में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों ही टीमों के बीच मारपीट की घटना घटित हो गई। इसमें देवेंद्र नगर पुलिस द्वारा लोकायुक्त DSP राकेश खड़के, निरीक्षक मंजू सिंह, आरक्षक आशुतोष व्यास सहित अन्य के साथ मारपीट कर दी गई और घटना के बाद थाना प्रभारी ज्योति सिंह सिकरवार भी वहां से फरार हो गई। इस मामले में जानकारी देने के लिए लोकायुक्त DSP से बात करने के काफी प्रयास किए, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। अमर को बुलाओ, अमर को बुलाओ, चलो खाने बुलाओ, चलो मैडम हाथ पकड़ ले मैडम। आपके कहाँ जाओगे, हम पुलिस वाले हमें पता ही है कि आपको पता नहीं रहता लेकर।